राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट टेस्ट वाली आर्ट सैंडविच, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं वड़ा सैंडविच। उसके लिए हमने यहाँ पे दो ब्रेड लिया है। इसमें एक ब्रेड में हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। मैंने चटनी की रेसिपी और सैंडविच के मसाले की रेसिपी कल ही अपलोड की है, उसे देखना ना भूलें। उसके बाद हमने ये दूसरे साइड पे लगा दिया है ठेचा मिर्ची का, जो जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, उसे भी देखना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है गर्मा गर्म वड़े, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसमें ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा सैंडविच मसाला ऐड करेंगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे चीज़ स्लाइस को, और ब्रेड को हमने ऊपर से रख दिया है। अब हमें ऊपर ब्रेड पे इस तरह से बटर को लगा लेना है। अच्छी तरह से बटर को चारों तरफ लगा लीजिए। एक साइड हमने बटर नहीं लगाया है क्योंकि हम सैंडविच के सांचे में बटर एक साइड लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जिस साइड हमने नहीं लगाया उसे अंदर साइड रखा है, और अब इसे करेंगे बंद और इसे अच्छी तरह से सेंक लेंगे। तो सैंडविच को अच्छी तरह से सेकने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और 3 से 4 मिनट तक एक साइड और फिर दूसरे साइड सेकें। इससे बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा। फ्लेम को लो करके ही पकाएं। तो दोस्तों वड़ा सैंडविच की रेसिपी आजकल बहुत वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा टेस्ट करके देखते हैं कि खाने में कैसी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया है सबसे पहला जो है वड़ा सैंडविच। यहाँ पे ये पूरी तरह से पक चुका है। अब हमें एक साइड लगाना है बटर और इसे इस तरह से करते हुए कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना क्रंची बना है। इसका जो ब्रेड है बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है और हमारी जो पहली सैंडविच है वो तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों इस सैंडविच की रेसिपी को जरूर बनाएं और खाएं और बताएं कि ये कैसा है टेस्ट में। तो चलिए देखते हैं दूसरी सैंडविच हमें कैसी बनानी है। तो यहाँ पर हम सैंडविच बना रहे हैं वेजिस वाली, जिसके लिए हमने यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च को कट कर लिया है, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन वाली मटकी, थोड़ा सा प्याज। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने ऐड किया है बीट, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच सैंडविच मसाला, और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है मेयोनीज। उसके बाद हम इन सबको मिक्स कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं वेजिस सैंडविच को। तो यहाँ पर हमने ब्रेड लिया है। ब्रेड के एक साइड पे हम लगाएंगे ग्रीन चटनी को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक साइड ग्रीन चटनी ऐड किया है, और दूसरी साइड हमें दूसरे जो ब्रेड है उस पर हमें यूज़ करना है बटर को। बहुत ही अच्छी तरह से हम यहाँ पे बटर लगा देंगे, और एक साइड हमने ग्रीन चटनी लगाई है। उसके बाद जो वेजिस हमने तैयार की है उसे इस तरह से ऐड करें, और ऊपर से ऐड कर दें चीज़ स्लाइस को। और यहाँ पे हमारी जो दूसरी सैंडविच है वो आधी रेडी हो चुकी है। ऊपर से हमने ऐड किया है सैंडविच मसाला थोड़ा सा, और अब हम ब्रेड के ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से बटर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बटर को अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसे भी हम सेकेंगे। सेकते टाइम हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर एक साइड सेकना है और 3 से 4 मिनट तक दूसरे साइड। इससे ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर बना है ये। तो सैंडविच की इस झटपट रेसिपी को भी जरूर ट्राई करना। बहुत ही अलग टेस्ट आता है इसका भी, और बहुत ही टेस्टी आता है। तो दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं जो टिक्की वाली सैंडविच होती है वो। उसके लिए हमने यहाँ पे तवे में थोड़ा सा तेल ऐड किया, उसमें ऐड किया जीरा, हरा मिर्च और इसका तड़का दिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। उसके बाद इसे थोड़ा सा पकाएं, और उसके बाद हमने इसमें लास्ट में ऐड किया है उबले हुए आलू, जिसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। और मसाले के लिए यहाँ पे आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद इसकी जो हमें बनानी है टिक्कियाँ छोटी छोटी सी इस तरह से, तो यहाँ पर हम बना लेंगे इसकी छोटी सी टिक्कियाँ, मतलब टिक्की। तो यहाँ पर हमने दो टिक्कियाँ बना ली है, वो रेडी हो चुकी हैं। अब बनाते हैं हम टिक्की वाली सैंडविच। उसके लिए हमने दो ब्रेड लिया है। एक साइड हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, और दूसरी साइड हमें लगाना है रेड चटनी, जो कि मैंने इसकी भी रेसिपी कल के वीडियो में शेयर किया है, तो उसको ज़रूर देखना। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए इस तरह से कटे हुए आलू और बीट, और उसके बाद हमने ऊपर से ऐड कर दिया है प्याज,
ककड़ी, और ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सैंडविच मसाला, और हमने ऐड किया है जो टिक्की तैयार की थी उसे। इसमें हम चीज़ स्लाइस को नहीं ऐड करेंगे, और ऊपर से हमने बटर ऐड कर दिया है, और इसे भी उसी तरह से सेकेंगे जिस तरह से हमने बाकी सैंडविच को सेक लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो टिक्की वाली सैंडविच है वो भी तैयार हो गई है, ऊपर से बहुत ही क्रंची है। थोड़ा सा बटर ऐड करें और इसे इंजॉय करें। तो दोस्तों, इन सैंडविच को ज़रूर बनाना, और अब तक के लिए आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो अब बनाते हैं हम अपनी दूसरी सैंडविच को। तो ये वाली जो सैंडविच मैं बनाने वाली हूँ ये पूरी सैलेड की सैंडविच है। तो उसके लिए हमने एक साइड ब्रेड में लगा लिया है ग्रीन चटनी, और दूसरे साइड हमने लगाया है बटर। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे जो उबले हुए आलू हमने कट करके रखे थे उन्हें, और ऊपर से मैंने ऐड कर दिया है सैंडविच मसाला और बीट। फिर हमने ऐड किया है इसमें एक चीज़ स्लाइस को, और ऊपर से ऐड किया है सैंडविच मसाला और ककड़ी प्याज। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है कद्दूकस किया हुआ चीज़। उसके बाद हम इसे इस तरह से ऊपर वाला ब्रेड ऐड करेंगे और उसमें लगाएंगे बटर, और इसे भी हम उसी तरह सेकेंगे जैसे हमने बाकी सैंडविच को सेका है, करीबन हमें 3 से 4 मिनट तक वन साइड लो फ्लेम पे, और फिर दूसरी साइड हमें 3 से 4 मिनट तक। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा। उसके बाद हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। यकीन मानिए ये भी सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी आता है, तो इसे भी बनाना ना भूलें। और दोस्तों, ये जो चीज़ी सैंडविच है इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अलग आता है। तो अब बनाते हैं दूसरी सैंडविच। तो अब हम बनाते हैं बटर फ्लेवर वाला सैंडविच। उसके लिए हमने यहाँ पे बटर लिया है, रेड चिल्ली फ्लेक्स लिया है, चिल्ली सॉस लिया है, और उसके उसमें हमने ऐड किया है यहाँ पे पिज्ज़ा सॉस। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, इसका जो हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को हम ब्रेड के दोनों तरफ इस तरह से एक एक ब्रेड में लगा देंगे। उसके बाद हमने ऐड किया है यहाँ पे आलू, और आलू के ऊपर हम ऐड कर रहे हैं सैंडविच मसाला। उसके बाद हमने ऐड किया है कद्दूकस किया हुआ चीज़, और ऊपर से हमने ऐड किया है सैंडविच मसाला, फिर बीट और चीज़ स्लाइस को, और ऊपर से अगेन हमने ऐड कर दिया है सैंडविच मसाले को। सैंडविच मसाले को हमने थोड़ा सा ही ऐड किया है। उसके बाद हमने इस पे बटर लगाया है, और एक साइड हमने ब्रेड पे भी बटर लगाया है, और इसे सेक लेते हैं सैंडविच मेकर में। आप चाहें तो इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, इन विदेशी चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए मैंने इसमें बना दिया है। तो यहाँ पर हमारी तैयार है सैंडविच मेकर वाली सैंडविच। इसे हमने बटर फ्लेवर वाली बनाई है जिसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं दूसरी सैंडविच। तो ये वाली सैंडविच हम बनाएंगे ट्रिपल ब्रेड से। उसके लिए सबसे पहले हमने दो ब्रेड में ग्रीन चटनी को इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया है एक ब्रेड में कद्दूकस किया हुआ चीज़, और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ मसाला ऐड किया है, और जो हमने दूसरी टिकिया मतलब टिक्की बनाई थी उसे भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और ब्रेड को इस तरह से ऊपर से ऐड किया है। फिर हम ब्रेड में लगाएंगे बटर, और यहाँ पर जो हमने वेजिस का थोड़ा सा पार्ट रखा था उसे हम ऐड कर देंगे, जिसमें हमने मेयोनीज ये सब ऐड किया था। तो इसे इस तरह से ऊपर से ऐड करें, और ऊपर से ऐड करें चीज़ स्लाइस को, और थोड़ा सा उस पर मसाले को छिड़क दें। और फिर हमने ब्रेड में लगाया है ग्रीन चटनी, और इसे भी ऐड कर लिया है, और ऊपर से ऐड कर दिया है बटर। अब इसे भी हम यहाँ पर सैंडविच मेकर में बना रहे हैं। तवे पे ये बहुत ही परफेक्ट बनता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में सैंडविच मेकर में ही बना रही हूँ। आप तवे पे बनाना, बहुत ही टेस्टी बनेगा। दोस्तों, सैंडविच मेकर में यही होता है कि सैंडविच बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन मुझे ना तवे वाली सैंडविच ज़्यादा अच्छी लगती है, एक देसी स्वाद आता है उसमें। तो यहाँ पर हमारी ये वाली सैंडविच भी रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, तो सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो अब हम बनाने वाले हैं विदाउट ग्रिल्ड सैंडविच, जिसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेड के कॉर्नर साइड को कट कर लिया है, और उसमें ऐड किया है चटनी, दोनों में लगा ली है, और ककड़ी हमने ऐड किया, बीट ऐड किया, एक में हमने आलू ऐड किया, और दूसरे में हमने थोड़ी सी बची हुई टिक्की ऐड की है, और यहाँ पे एक में हमने रेड चटनी को ऐड किया है, और दूसरे में हमने ग्रीन चटनी को ऐड किया है, और ऊपर से हमने लगाया है बटर को,
और अब इसे कट कर लेंगे। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, इसका टेस्ट इतने में बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ये झटपट 2-3 मिनट में बन जाएगी आपकी सैंडविच, तो इसे भी बनाना ना भूलें। तो अब बनाते हम अपनी आखिरी सैंडविच को। ये सैंडविच मैं बना रही हूँ चटनी से। तो यहाँ पर हमने लगाया है तीनों ब्रेड में ग्रीन चटनी, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ स्लाइस को। स्लाइस को ऐड करने के बाद ऊपर से हमने ऐड कर दिया है सैंडविच मसाले को, और उसके बाद अगेन हमने एक ब्रेड ऐड किया है, उसके ऊपर हमने फिर से स्लाइस को ऐड किया और ऊपर से ऐड कर दिया सैंडविच मसाले को। अब हम इसे तवे पे सेक लेंगे या सैंडविच मेकर में सेक लेंगे, और ऊपर से हमने बटर ऐड किया है। इसमें सबसे पहले हम इस तरह से बटर लगाएंगे और इस तरह से इसे पका लेंगे। दोस्तों ये सारी सैंडविच को मैंने एक साथ बनाया है, इसीलिए इन सब को मैंने सैंडविच मेकर में ही बना दिया था। आप आराम से इसे तवे पे भी बना सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हमने 2 चीज़ स्लाइस डाले हैं जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो सैंडविच है वो तैयार हो चुकी है। तो ये 10 की 10 सैंडविच आप ज़रूर ट्राई करना, और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।